हमारी बच्ची के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। बहुत महान हो तुम काली, बहुत महान हो। वैसे ये सब तुम कर कैसे लेती हो? कैसे कर लेती हो प्यार किसी पराई बच्ची के साथ? कैसी बात कर रहे जा बाबू आप? ये काली और युग की बच्ची है, हमारी परपोती है, ये पराई कैसे हो गई? हमें तो यहां से दिख रहा है आप तो करीब बैठी हैं। अब जाइए उसके पास, उसकी आंखों में झांक के देखिए, देखिए वो झूठ और वो घबराहट। जो झूठ पकड़ लेने के बाद आती है आंखों में वो भय। इन सतही बातों से कुछ साबित नहीं होने वाला। नैना हमारी बच्ची है, हम इसकी माँ, फिर चाहे कोई माने या ना माने। लोगों के मानने या ना मानने से फर्क पड़ता है। पुरोहित जी, ये कौन है? ये वही है जिनके यहां होने से यहां मौजूद किसी की अकड़ टूट जाएगी। आप बताइए इन सबको जो आपने हमें बोला था। बोले आइए। बोलिए, सच बोलने से पुण्य मिलता है। बोलिए बोलिए। हम यही बोले थे कि काली अभागन है और अपने पेट का बच्चा खो दी है। काली अभागन है और अपने पेट का बच्चा खो दी है। झटका लगा आप सबको? काली तुम्हीं ने कहा था ना कि वो सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। पूरा सच नहीं है। मतलब पूरा सच ही है कि काली अपना बच्चा खो दी थी मनचंडी के मेला में 2 घंटा के लिए, फिर उसको उसका बच्चा मिल गया था। क्या नाम से आप खींचा रही है, कदम क्यों आते हैं? तो घर छोड़िए ये सब। काली एक काम करो, तुम अपनी मंजी मां के सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ, ये बच्चा तुम्हारा और युग का है। हाँ कली, हमें आप पर पूरा भरोसा है और हमारा भी तो हक बनता है सच सुनने का। खाइए कसम। हम सबके सामने अपनी मंजी माँ के सर पे हाथ रखकर कसम खाते। नैना हमारी बच्ची है, हम इसकी माँ है। झूठ है ये।
अच्छा हम चलते हैं। बड़के पापा, आपने उस लेडी की बात का गलत मतलब निकाल लिया होगा। अरे नहीं युग, हम कोई बात नहीं। नौटंकी कहीं की, इनसे तो हम बाद में निपटेंगे। मंजीमा अब क्या होगा? अगले आने वाले 24 घंटे हमारे लिए बहुत जरूरी है कली। अगर हम आचार्य जी का अपराध सिद्ध करेंगे तभी तो आपके झूठ को न्याय संगत कर पाएंगे हम। पर ये होगा कैसे मंजीमा? हमारे पास सूत्र है। क्या? आचार्य जी का भय। कली, आपका जीवन दुखों का इतिहास रहा है और इस इतिहास को बदलने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। हम जाएंगे कली। अरे हैरान आप क्या होंगे पुरोहित जी, अचंभित तो हम हैं। वैसे आपका लाया नकली ब्रेसलेट रंग कैसे बदल सकता है, ये हमारी समझ में नहीं आया। कहीं नकली स्फटिक पहनकर हमने पापमोचन हनुमान मंदिर का अपमान तो नहीं कर दिया? अरे क्या हुआ? पता नहीं मालिक, चेक करता हूँ। अरे क्या है ये? पीछे हटो। ए पापी, घोर पापी है तू, घोर पापी, तू तो गया। ड्राइवर निकालो इसको, चलो। बहुत जल्द तेरा छल दुनिया के सामने आ जाएगा, बहुत बड़ी सजा पाएगा तू, बहुत बड़ी। भाग से, चलो चलो जाओ यहाँ से, चलो लिख लो, तुम लिख लो। सर्वनाश होकर रहेगा। भूख लगी। ओए 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 ओए, क्या हुआ? क्या हुआ नैना? किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, नैना मेरी ही बेटी है, मैं इसके बाप। कल जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो बहुत ठेस पहुंचेगी आपको। अच्छा होगा हम उसके पहले आपको सच बता दें, फिर चाहे हमें नैना को हमेशा हमेशा के लिए खोना ही क्यों ना पड़े। बात तो आईने की तरह साफ है मंजीमा, अगर नैना के पिता युग है इसका मतलब, गौरी नैना की माँ है।